आज माधवपुर गांव के गोविंद भाई मेहता की नौवीं फेल नाती तुझसे कहती है कि मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। अरे सुबली को ऐसे लड़के से शादी करनी ही नहीं है कि जिसमें कोई इंसानियत ना हो, जो खुद के परिवार को प्यार ना करता। तू क्या मुझे रिजेक्ट करेगा? मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ, जा। वैसे मुझे तुझसे शादी करनी ही नहीं। वो मेरे नानू है ना, उनको लगा कि तू ऋषि कुमार पारेख कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समझदार लड़का होगा, इसीलिए मेरे पीछे पड़े थे। लेकिन आज उनको भी बराबर पता चल गया होगा कि तू क्या है। चलाप चलाप। देख रहे आप लोग, पता चली हकीकत। अच्छा सुनो, एटीट्यूड देखो इसका। एक सेकंड भी मेरे सामने खड़े रहने की लायकात नहीं है इसकी। ए, मेरी लायकात मत निकालो। तो होता कौन है? किसने दिया तुझे हक मुझे उल्टा सीधा बोलने का? हाँ, सुबली है ना, झूठ बर्दाश्त नहीं करती, बोल देती हूँ। तो मैं भी तुझे यहाँ एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुझे भी तेरे सामने खड़े रहने की कोई इच्छा नहीं है, समझ गया ना? हाथ नीचे करके बात कर। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या कर लेगा तू? बस कर, तुम ले ऐसा नहीं करते, बस कर अभी। लेके जाइए, लेके जाइए, और जाकर थोड़ा तमीज सिखाइए। तमीज? तमीज तू सीख, अंग्रेजी आप तू। मुझे बोल रहा है। अरे छोड़ो नानू, मुझे आज इसको दिखाऊंगी कि सुबली क्या है। सुबली बापूजी चले या और कुछ सुनना बाकी है? हेलो ऋषि, मुझे भी तुझसे कोई शादी नहीं करनी थी। आप मुझे क्यों रोक रहे हो? देखा ना उसने क्या किया? जा। मुझे गोविंद भाई की बहुत चिंता हो रही है। आपको पता है, इस शादी के लिए उन्होंने इस घर तक को गिरवी रख दिया है। मैं क्या कहती हूँ, अगर हम उनका ये घर छुड़वा कर दे सके तो? नहीं लाडू, मैं उसे ये नहीं कह सकता। देखा नहीं कितना टूट चुका है वो। अगर मैं उससे ये कहूंगा, उससे लगेगा कि मैं उससे जूता बांटने आया, क्योंकि बहुत खुददार है वो। और हमारे पोते ने जो उसका नुकसान किया है, उस नुकसान की कीमत हम नहीं अदा कर सकते। देखा नहीं कितना आधा मर चुका है वो। मैं ये नहीं कर सकता लाडू। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं कहीं जाकर सुसाइड कर दूं, खत्म कर दूं अपने आप को। ऐसा मत बोलिए। देखिए, शादी ब्याह ये सब कुछ तो ऊपर से लिखकर आता है। अपने आप को मत कोसिए। चलिए चलिए, अब घर चलते हैं। नए घर में जहाँ हम हमारी बहू के साथ गृह प्रवेश करने वाले थे। अमीर होंगे ना तो अपने घर के होंगे, वहीं पर रखे सब अपना पैसा। मुझे अगर अकेला दिख गया ना वो नानू, तो देख लेना छोड़ूंगी नहीं उसे। शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा। क्या क्या बोलकर चला गया वो अंग्रेज, वे गांव में तमाशा बना दिया। मेरे नानू को धोखेबाज का, खिलाड़ी का। शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा। अरे ऐसी बातों को क्यों साथ लेकर चलना कि जिनसे तकलीफ हो। ठीक कहा आपने नानू, एकदम ठीक कहा। ऐसी बातों को साथ में लेकर चलना ही नहीं चाहिए।
जिनसे आगे जाके तकलीफ हो, ये उनके उनके घर की चूड़ियां नहीं चाहिए। ये पाया दिया थे ना ससुराल वालों ने, वो भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये उनकी चूनर सब निकाल दूंगी, कुछ नहीं चाहिए। बस कर बच्ची, बस कर। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को, पता नहीं ऋषि कुमार क्यों ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने किसी और को पसंद किया है। मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों किया ऋषि कुमार ने। देख ये लिफाफे में से मिला जो फोन के पास पड़ा था, देख लिफाफा। वो लिफाफा तो उस अंग्रेज ने भेजा था मेरे लिए, मैं वो जल्दबाजी में देख नहीं पाई। काश बेटा तू उस वक्त देख लेती, देख अभी तो देख। कुमार शलाका से के सामने ऋषि हम फेरे लेते, अगर ये फेरे लेता सुबू के नसीब में और मेरे नसीब में आंसू। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं ना, उसकी झोली में भी आंसुओं के अलावा कुछ नहीं आता सलाका। और यहाँ क्या देखने आई हो? यही कि सुबह की शादी हुई कि नहीं, गोविंदा का जिंदा है कि नहीं, और यहाँ पे सब तमाशा खत्म हो गया कि अभी कुछ बाकी है। मतलब शादी नहीं हुई? नहीं, यहाँ पे कोई शादी नहीं हुई, यही सुनना चाहती थी ना तू? और ये सुन के तो तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी, धोखेबाज। मैं धोखेबाज? मैं? हाँ, सबूत चाहिए? सुबू, मैं तुझे बताने ही वाली थी कि कब बताने वाली थी सलाका? जब वो ऋषि सबके सामने आके मुझसे रिश्ता तोड़कर चला गया तब। मेरी बात सुन। सुननी है? अब तो तेरी भी बात सुननी है, क्योंकि तेरा वो ऋषि आकर मुझे इतना कुछ तो सुना गया सबके सामने। तेरा ऋषि सुनने में मस्त लग रहा है ना, लेकिन तू भूल गई सलाका, मेरी शादी होने वाली थी उससे। तू क्या ऐसे क्यों दिया मुझे धोखा सलाका? मैंने कोई धोखा नहीं दिया है सुब्बू। मैं नहीं आई थी तेरे पास पीला गुलाब लेने, और ना ही मुझे ऋषि से सुब्बू बनकर मिलने जाना था। किसी भी हालत में ये शादी नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए मैं कोई भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। फिर धोखा किसने दिया है ना? धोखे की शुरुआत की तो वो तूने की है, तूने धोखा दिया है ऋषि को और अपने नाना जी को भी।
अब मानती हूँ मैं कि मैंने पीला गुलाब लेकर भेजा था तुझे ऋषि के पास, लेकिन वो पीला गुलाब लेकर तुझे शादी के लिए ना कहने को भेजा था, अपने लिए हाँ कहने को नहीं। हाँ मैं नहीं उसे बता पाई कि मैं सुबह नहीं शला का हूँ। क्यों? क्योंकि पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया। ये तूने बताया क्यों नहीं? मैं बताने ही वाली थी, अगर उसके पहले ही किसी ने मुझे पसंद कर दिया, बाद में मुझे डर लगने लगा कि मैं उसे खो ना दूं। मान लिया तू नहीं बता पाई, पर जब यहाँ मेरे घर में शादी की तैयारियां चल रही थी तब तूने अपना मुंह क्यों नहीं खोला सला का? क्यों नहीं बताया? तब कहाँ भाग गई थी तू? मैं भाग नहीं गई थी, मेरे पापा को ये सब गलत लग रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा सही है, इसलिए जानबूझकर मैंने अपने आप को ऋषि से दूर रखा। अच्छा, पर ये तस्वीरें तू कुछ और ही कह रही है सलाका। सबू मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को ऋषि से दूर रखूं, मगर नहीं रख पाई मैं उसे अपने आप से दूर, और तकदीर भी बार बार हमें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करते। मैं भी उससे दूर नहीं रह पाई, मुझे हो गया उससे सच्चा प्यार। सच्चा प्यार करने वाले सच बोलने की भी हिम्मत रखते हैं सलाका। हिम्मत की थी मैंने, बताया था ऋषि को मैंने, मगर वो ही मानने को तैयार नहीं था। फिर मुझे डर लगने लगा कि ऋषि मुझे अपने आप से दूर ना कर दे, और मैं अपना प्यार दांव पे नहीं लगाना चाहती थी, इसीलिए तूने अपनी दोस्ती दांव पर लगा दी, है ना? लेकिन तू जानती है सलाका, ये सब जानने के बाद ऋषि तेरा भी नहीं होगा। सुबू, ऋषि ऑलरेडी मेरा हो चुका है। अच्छा? हाँ। तो जा, जा अपने ऋषि के पास जा, निकल जा यहाँ से, जा। आज के बाद तेरी और मेरी दोस्ती खत्म सलाका। तू क्या खत्म करेगी अपनी दोस्ती? अपनी दोस्ती तो मैंने खत्म की है, उसी पल जिस पल मुझे ऋषि से प्यार हो गया। मैंने बहुत कोशिश की अपनी दोस्ती बचाने की, मगर मेरा प्यार जीत गया। शायद हमारी दोस्ती ही कमजोर थी जो प्यार के सामने हार गई। I'm sorry, सुबह। सुबह! सुबह नाम है, और आइंदा गलती से भी मुझे सुबह का ना तो मैं मुझे तेरा मुंह चली जा अपने ऋषि के पास। क्या है दोस्ती तोड़ेगी सुबह? तेरी दोस्ती मैंने तोड़ी है, नहीं चाहिए मुझे तेरी दोस्ती। मुझे बस मेरा ऋषि चाहिए, किसी भी हालत में मुझे मेरा ऋषि चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी। साम दाम दंड भेद कोई भी रास्ता अपनाऊंगी, मगर ऋषि को अपना बनाकर रहूंगी। उस लड़की की जिंदगी उलझ के रह गई है जिसे तू शादी के मंडप पे छोड़ के आया है। For God's sake, दादू, stop blaming me. इसमें गलती आपकी भी है। आपने कभी मेरे बारे में सोचा कि मैं उस अनपढ़ गवार लड़की के साथ जिंदगी कैसे बिताऊंगा? बहुत अच्छा घर है। हाँ, मगर अच्छा होता कि नए घर में नई बहू के साथ
गृह प्रवेश होता। जादू, जब तकदीर में नुकसान लिखा होता है तो सच्चा जौहरी भी सच्चे हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर फेंक। दादू प्लीज, दादू भाई एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस टॉपिक पर इस घर में आइंदा कोई डिस्कशन नहीं होगा। मैं अब और उलझना नहीं चाहता हूँ इन सब में। नहीं उलझना चाहता से मतलब उस लड़की की जिंदगी उलझ के रह गई है जिसे तू शादी के मंडप में छोड़ के आया। फॉर गॉड सेक दादू, स्टॉप ब्लेमिंग मी। इसमें गलती आपकी भी है। आपने कभी मेरे बारे में सोचा कि मैं उस अनपढ़ गवार लड़की के साथ जिंदगी कैसे बिताऊंगा? ऋषि बिल्कुल ठीक कह रहा है बापूजी। आपने तो आपके बेटे की शादी उसे बिना पूछे कर दी। वो तो आपके बेटे की किस्मत अच्छी थी कि आपके फैसले की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। लेकिन आज आप गलत साबित हुए बापूजी। और जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे बापूजी। आपने एक बार मेरे बेटे की सोच, मेरे बेटे की पसंद के बारे में नहीं सोचा। आज भी आपको सुबह की चिंता है, जबकि जख्मी मेरे बेटे का दिल हुआ है। हाँ दादाजी, आई कंप्लीटली अग्री विद मम्मी जी। सॉरी टू से, पर अगर आप एरोप्लेन में बैलगाड़ी के पहिए लगाएंगे तो क्रैश तो होना ही है। आई एम सॉरी दादाजी, मगर ऋषि की शादी के लिए आपको इतनी जल्दी फैसला करने की जरूरत नहीं थी। आप सबने बोल लिया। रवीश, तुम्हें कुछ नहीं कहना? मैं क्या कहूं दादाजी, वैसे सब लोग ठीक ही कह रहे हैं। डाडो, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि ऋषि के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं? कहो लाडो, जवाब दो। मुझे मेरा जवाब मिल गया। साधु, ऋषि, जाने दो उन्हें। पहली बार मैं उनके खिलाफ खड़ी हूं क्योंकि तुम लोग सही हो, पर क्या दोष सिर्फ उन्हीं का है? एक बात बता मुझे बेटा, तेरी सगाई को कितना वक्त हुआ? इतने दिनों में तो कितनी बार मिला शोभा को? एक बार भी तुझे शक नहीं हुआ कि वो शोभा नहीं कोई और है? नहीं लाडूबा, क्योंकि जिस लड़की को मैंने पसंद किया था वो ये सुबह नहीं थी। जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था वो ये सुबह है। देखिए, ये है वो लड़की। ये तो शलाका है। शलाका? हाँ, एक मिनट फोन दिखाइए। अरे हाँ, ये तो शलाका है, सुबह की फ्रेंड। पर ये आपको कहाँ मिल गई? कहाँ मिल गई मतलब? वो लड़की है जो मंदिर में येलो रोज लेकर आई थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? नाना जी ने तो सुबह को पीला गुलाब लेकर भेजा था। मतलब अब तक शलाका सुबह बनकर मुझसे मिल रही थी और मैं उसे सुबह समझकर। Oh my God, I really cannot believe this. बिलीव तो उस दिन मैं भी नहीं कर पा रही थी, जिस दिन मैंने शलाका को वो आरएस वाला पेंडेंट पहने हुए देखा। हाँ भाभी, वो आरएस का पेंडेंट मैंने ही उसे सुबह समझ कर दिया था। ये भगवान, लोग इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं? बा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि लोग झूठ बोलकर प्यार कैसे कर सकते हैं, जबकि मैंने उसे पूरे दिल। इसका मतलब है गलती सिर्फ उनकी नहीं है, गलती तुम्हारी भी है। हाँ लाडूबा, गलती तो मुझसे भी हुई और आज उससे भी बड़ी गलती कि मैंने सारा दोष दादाजी पर डाल दिया। उन्होंने तो मेरा रिश्ता सुबह के साथ तय किया था, लेकिन मैंने ही गलती से शलाका को सुबह समझकर।
सुबली को बहुत आंसू दे दिए तुम। सुबली जिंदगी में कभी तुझे माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। सॉरी दादाजी। ऋषि, तेरे दादा की आंखों में आंसू देखकर अगर तू ये कह रहा है तो रहने दे। नहीं दादू, दिल से सॉरी कह रहा हूं। दिल से तो इन लोगों ने इल्जाम लगाए मुझ पर, और तूने भी। मैं तेरा दुश्मन हूं ना, हमेशा तेरा बुरा ही चाहता हूं। नहीं दादाजी, आप पर इल्जाम लगाने के बाद मैंने खुद रियलाइज किया कि इसमें मेरी भी गलती है। रियली सॉरी दादू, और मैं सुबह से भी माफी मांगूंगा। ये शादी के जोड़े में मेरी सुबह विदा होने वाली थी, अब तो सब कड़वी याद बनकर रह गया। कौन? मैं बोल रहा हूँ, ऋषि। तेरी हिम्मत कैसे हुई यह फोन करने की? सुबह दरअसल मैं तुमसे क्या? अब और भी कुछ कहना सुनना बाकी रह गया है? देखो, मैंने तुमसे झगड़ने के लिए फोन नहीं किया। तो क्यों किया है? दरअसल वो मैं तुमसे माफी। क्या क्या कहा तुमने? मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी। मैंने जिसे पसंद किया था वो शलाका है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खुद ऋषि पारिक तुमसे माफी मांगता हूँ। वाह रे वाह ऋषि कुमार, पहले किसी का नुकसान करो और फिर आराम से उसे सॉरी कह दो। कितना आसान हो जाता है। नहीं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो ऋषि कुमार, इस सुबली को बहुत आंसू दे दिए तूने। सुबली जिंदगी में कभी तुझे माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। शादी मेरी टूटी है और नानू टूट गए। पूरी रात खास रहे थे।